अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय चैनल सादिया तैमूर। क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? सो गाइस, बहुत सारी वीडियोस मैं देख रही थी इस प्रोडक्ट के ऊपर, जो अभी आपने देखी है कि कैसे ये लगाती हैं ठप 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 करके, और हमारे फेस के ऊपर जब पानी भी डालते हैं, स्वेटिंग भी होगी तो वो उतरेगी नहीं। तो मैंने भी जैसे ही देखा, मैंने ऑर्डर कर लिए बेस और ये बाय कर ली थी। ठीक है, ये इस तरह की पैकेजिंग में है, मैंने बिल्कुल भी ओपन नहीं की, अभी आपके साथ शेयर करूँगी मैं और आपको दिखाऊंगी। ठीक है, और ये जनाब कैसी बेस है, क्या ये ऐसी है या नहीं है, तो अभी इसकी ओपनिंग कर लेते हैं। और इसका नाम कुछ एवी है, अमेम्बा। ठीक है, ये देख लें इस तरह से, इसकी पैकेजिंग बहुत प्यारी है, सिर्फ रेड कलर की। अच्छा, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो आपको दराज पे भी मिल जाती हैं इजीली, और इजीली आप दराज से बाय कर सकते हैं। तो आप इसको फाइंड आउट कीजिएगा कि अगर ये दराज पे आपको मिल जाए, इसको मैं जो है वो ओपन कर रही हूँ, बिल्कुल सील पैक मुझे रिसीव हुई है और ये डायरेक्टली मैंने चाइना से मंगवाई है। ठीक है, डायरेक्टली, बिल्कुल डायरेक्टली मैंने चाइना से ये मंगवाई है। ये देखें इस तरह की पैकेजिंग है इसकी, और बैग से ये देखें इस तरह है। ठीक है, फिर चिंग चोंग पम चिंग तम, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, खैर मुझे नहीं आता, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ पढ़ने की। और इसकी एक साल की एक्सपायरी है, 1 ईयर एक्सपायरी। पता है किधर होती है? ये देखें, ये छोटा सा ये बना हुआ है ना, ये ओपन करने के बाद इधर 12 लिखा हुआ है, आपको अगर फोकस हो जाए, ये जो बॉक्स बना हुआ है ये छोटा सा, ये इसके ऊपर जो लिखा होगा ना 12, यानी कि 1 ईयर, अगर 24 लिखा होगा 2 साल। ठीक है, ये मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, इसको ओपन कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो ये कुछ इस तरह की पैकिंग में है, वाओ ब्यूटीफुल। अब जी मैं इसको आपको फोकस करके दिखा रही हूँ, ये देखें कितनी खूबसूरत है, ये बहुत प्रीटी है। वो ऐसे काटती हैं इसको और फिर पानी में डाल, लेकिन मैं ऐसा कोई काम नहीं करने वाली हूँ। ठीक है जी, इसके अंदर से और कुछ भी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, खाली डब्बा है। अच्छा, इसको हम साइड पे कर देते हैं। और ये एज यूजुअल पैकेजिंग बहुत ज़बरदस्त होती है, ये कोरियन एंड चाइनीज़ ब्रांड की, कि बंदा ऐसे खींचा चला जाता है कि हम फटाफट से बाय कर लें। फेयर नहीं मंगवाया था, बट मुझे इस तरह का कलर आया है, ये देखेंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फेयर हो गया है। तो मैंने फेयर मंगवाया था, बट दिस इज़ एक्स्ट्रा फेयर। तो खैर, लगा के देखते हैं, वो भी जब लगा रही होती हैं तो उनका भी जो है ना फेस बहुत ज़्यादा वाइट हो जाता है। तो अभी इसको लगा के ब्लेंड करके देखते हैं। ये देखिए, इसको ब्लेंड किया तो बड़ा नेचुरल सा हो गया, मतलब वाइटनिंग इफेक्ट भी आ गया। तो एक बात आपको बताऊंगी, यहाँ पे खाली गोरा ही होना सब कुछ नहीं होता, अट्रैक्शन होना सब कुछ होता है। ठीक है, तो आप जैसे भी हो, आप बहुत प्यारे हैं, और इसके अंदर मैं डालूंगी जैसे वो डालते हैं वीडियो में, और मैं ज़रा तमीज़ के साथ काम करूँगी क्योंकि मुझे पता है ये ज़ाया हो जाती है चीज़, तो मैंने बिल्कुल थोड़ी सी ही ली है, ये देखें। ठीक है, बिल्कुल, वो कहते हैं ना बिल्कुल ब्राए नाम, क्योंकि मुझे जितनी ज़रूरत है आई थिंक मेरे लिए इनफ है, और बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। अच्छा, ये पानी में बिल्कुल भी घुली नहीं है, आप ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ फोकस करके, ये देखें, ये वैसे ही पानी में तैर रही है, ये देखें। आप इंजॉय भी कर सकते हैं, आप ऐसे ग्लास पकड़ के आप इसके साथ खेल सकते हैं। ओए, वो देखो, अब इधर चली गई, अब उधर चली गई। अच्छा, जैसा कि जैसे निकली है ना, वैसी की वैसी शेप है इसकी, ये देखें, मतलब कि आप अपने बच्चों को दिखाएं, वो देखो फिश, बड़ी अच्छी इंटरटेनमेंट है, वो देखो फिश के बेबीज, अभी छोटे हैं ना इसलिए तैर नहीं रहे। तो खैर, मैं ये जितनी भी मैंने इसमें डाली है, अभी मैं ब्रश इसके अंदर डिप कर रही हूँ और मैं इसको निकालूंगी बाहर। चलो आ जाओ, बहुत आराम हो गया है, और ये मैंने इसके अंदर ले ली है, ये देखें, क्योंकि मुझे पता है ये वेस्ट हो जानी है, इसलिए मैंने सिर्फ उतनी डाली है। तो इसे कहते हैं अकलमंदी। ठीक है, और अब इसको मैं अप्लाई करूँगी हाफ फेस के ऊपर, और देखेंगे क्या वो जो एक डैप 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 करके जो एक वो आती है चीज़, क्या वाकई इससे है। ले लिया है स्पंज, अब इससे हम सेट करेंगे इसको, एंड ये बड़ी ईजिली सेट हो रही है। इसको मैं साइड पर रख देती हूँ ब्रश को, एंड नाउ इट्स टाइम कि इसको अच्छे से ब्लेंड किया जाए, ऐसे 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 ये रखें इस तरह से, इसको ब्लेंड करेंगे, एंड मैं जस्ट हाफ पीस पे अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी, ये रखें।
ये बहुत ही स्मूथली ब्लेंड हो रही है और ब्राइटनिंग इफेक्ट भी आया है। कलर को छोड़ें, कलर तो है इसका, मैं ये देखना चाह रही हूँ कि ऐसे से जो चपेड़े मार मार के, ऐसे थप्पड़ मार मार के वो देखती हैं कि ये मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे इसका कितना इंतज़ार था कि ऐसे ऐसे से करके जो लगाती हैं अभी, वो ऐसे ऐसे करके देखती हैं कि नो, बिल्कुल नहीं उतर रहा। तो वो चीज़ ना मैं कब से करना चाह रही थी और मैंने कंट्रोल किया हुआ था, नाउ अब मैंने कर ली है। अच्छा, अब बारी आती है कि ये टिश्यू से देखते हैं कि क्या ये उतरती है, क्या ये वाटरप्रूफ है, तो लेट्स सी, देखते हैं। अच्छा जी, अब टिश्यू लगा के मैं देखूंगी। नो नो, कुछ नहीं उतरा, कुछ नहीं। आपके सामने टिश्यू है वो है, और ये पानी लेके इसको अपने, आज मेरी ना ख्वाहिश पूरी हो गई ऐसे ऐसे करके वो जो वीडियो में करते हैं ये ऐसे ऐसे करके। कभी कभी ना कोई प्रोडक्ट आप ऐसा देखते हो और उसकी वीडियो बार बार आपकी ना नज़रों से गुजर ही होती है और फिर आपका दिल करता है कि आप वैसा ट्राई करो। तो मैंने ना, मैंने कहा जब कर ही रही हूँ तो फिर पूरी तरह इंजॉय करना चाहिए इसको, सही है ना, ताकि वैसी फीलिंग आए कि हाँ वो चीज़ है भी कि नहीं। आई नो, काफ़ी सारी सिस्टर्स को हंसी आ रही होगी मेरी आज ये वीडियो देख के कि क्या हो गया सादिया। बिल्कुल साफ है, ठीक है, कुछ भी नहीं आया, गीला करके भी कुछ भी नहीं निकला, और यहाँ से भी ज़बरदस्त। जी मैं इसको डायरेक्ट लगा के चेक करूँगी क्या ये डायरेक्ट लगाने के बाद भी ऐसी ही चीज़ है या फिर धोखा है। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि अगर आपकी स्किन अच्छी है, जैसे कोरियंस की होती है, डार्क सर्कल्स का इशू नहीं होता इतना और ज़्यादा मसले मसाइल नहीं होते, तो फिर ये अच्छी बेस है आपके लिए, ठीक है ना। अगर आपको एक्नी के गंदे गंदे निशान हैं, आपको बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल हैं, तो वो इससे छुपेंगे नहीं, ये एरिया ग्रे हो सकता है, ठीक है। बस इस चीज़ का जो है, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूँ ऑनेस्ट। अब यहाँ पर मैंने डायरेक्टली लगाई है और मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। आधा मुंह वाइट मुझसे देखा नहीं जा रहा था, तो मैंने कहा किया तो फिर पूरा ही बंदा करे ना। ओके जी, तो मैंने ये अप्लाई कर ली है, कितना वैसे ओवर गोरा भी अच्छा नहीं लगता बंदा, तो खैर अब आ गई है, क्या करें। अच्छा अब ये देखे, ये ना ये है कि बहुत अच्छे से सेट हो गई है, और लेकिन मैं आपको फिर बताऊंगी कि इससे आपके डार्क सर्कल्स नहीं छुपेंगे, आपके एक्नी के निशान नहीं छुपेंगे, ठीक है। दिस इज़ जस्ट लाइक बीबी क्रीम होती है ना, ये वो चीज़ है, यानी कि फुली हाई कवरेज जो चीज़ होती है, जो दिखाया है वीडियो में ऐसा नहीं है। उनकी स्किन ऑलरेडी अच्छी है और वो ज़्यादा क्वांटिटी में लगा रहे हैं, तो आप देखें उनका फेस भी कितना ज़्यादा वाइट हो गया और उनका कलर भी वाइट होता है, तो इसलिए उनके लिए चीज़ अच्छी है। और अब मैं इसको पानी के साथ देखती हूँ कि क्या ये वाटरप्रूफ है कि नहीं, तो इसी तरह से मैं अब इस तरफ करूंगी ये काम जो मैंने उधर किया था, एंड देखते हैं क्या ये वाटरप्रूफ है कि नहीं। सो मैंने टिश्यू पेपर ले लिया है और मैं, नहीं निकली, ठीक है, ये नहीं उतरी, बिल्कुल भी नहीं उतरी है, ये देखें, सिर्फ ये पानी लगा हुआ है, इसके अलावा आपको कोई कलर कोई बेस नहीं इसके ऊपर नजर आ रही होगी। मैं आपको दूसरी साइड भी दिखा देती हूँ, तो ये इसकी, इसका मुझे पॉइंट अच्छा लगा है, ठीक है ना, यानी कि इसको डायरेक्ट भी लगाएं, पानी में ही लगाने से नहीं बल्कि डायरेक्ट भी लगाने से ये अच्छी है उसी वाले से, लेकिन ये एज अ बीबी क्रीम के तौर पे आप लगा सकते हो, और अगर आपको आपकी स्किन का कलर मिल जाए तो वो फिर गुड है, ठीक है। लेकिन मेक श्योर इतना भूत बनने की ज़रूरत नहीं है, और ये चीज़ है कि इस क्रीम की खुशबू बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आई है, एंड ये फुल कवरेज नहीं है। मैं फिर बताती चलूँ, ये आप नॉर्मली बीबी क्रीम की जगह आप यूज़ कर सकते हो। जो इसके प्लस पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, और जो इसके कुछ पॉइंट्स थे जो क्लियर होने चाहिए थे वो भी मैंने बता दिए। आई होप सो कि आज की वीडियो आपको मेरी हेल्पफुल लगी होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है, ये देखें। तो अगर आपको बेस अच्छी लगी है, आपने भी यूज़ किया, तो मेरे साथ रिव्यू अपना ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट्स में, एंड
आपकी मर्जी, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो, वरना मैं कहूंगी कोई इतनी खास जरूरत नहीं है, ठीक है, मेरी तरफ से। अगर मेरी तरफ से स्पेशली मैं कोई ऐसी क्रीम चाह रही हूँ तो मैं किसी भी बेस को लेकर उसको भी वाटरप्रूफ कर सकती हूँ। सो ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है, ठीक है। बाकी अगर आप इसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हो आपका अपना शौक है, लेकिन मैं आपको यही कहूंगी कि आप कोई भी बेस को इस तरह बना सकते हैं अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो दैट्स इट, कि मेरा ऑनेस्ट रिव्यू था जो कि मैंने आज आपके साथ शेयर किया। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे यूट्यूब चैनल को, और जल्दी से कमेंट्स में जाके बताइए कि आज की वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है। अब इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम की आईडी है सादिया तिमिर अंडरस्कोर। और अपने बहुत सा ख्याल रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।